भाई 200 रुपया, 200 रुपए में, 200 रुपए में क्या क्या मिलता है भाई? इतना कुछ मिलता है, जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपके पेट में भूख है, तब तक खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाना खत्म नहीं होगा भाई। पंजाब से बाहर जो लोग वीडियो देखते हैं ना, वो कमेंट करते हैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आओ पंजाब में, पंजाब वालों का दिल देखो, इतना बड़ा नहीं भाई, इतना बड़ा है, अनलिमिटेड खिला रहे हैं सिर्फ 200 रुपए में। आओ देखते हैं कैसी क्वालिटी है, कैसा खाना है, क्या क्या मिल रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों अंदर हम आ चुके हैं, सबसे पहले ये शादी जैसा माहौल चेक कर लो भाई, हर सीट फुल मिलेगी। और इधर चेक करो भाई, ये है फूड काउंटर और ये भी सारा का सारा फुल। थोड़ी सी झलक दिखलाऊं फूड की, ये देखो भाई ऐसी रंगत बुफे के अंदर। और ये सारा फूड आपको 200 रुपए में अनलिमिटेड मिलने वाला है। एक एक करके आपको आइटम दिखाता हूँ, अपनी प्लेट पकड़ता हूँ और प्लेट भी सजाते हैं। पहले ना एक बार ये लुक देखो जरा पास से थोड़ी सी, आओ अपनी प्लेट लगाते हैं। तो भाई हमारी प्लेट आ चुकी है स्पेशल, मैंने जितना क्राउड था ना उनसे रिक्वेस्ट करी भाई हमारे दोस्तों को वीडियो में दिखाना खाना कैसा है, थोड़ा सा समय दे दो। तो भाई एक नज़र ज़रा दिखाना इधर, ये देखो भाई यहाँ पे अगर आप कोई छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हो, बर्थडे पार्टी, ऑफिस पार्टी, कुछ भी करना चाहते हो ना भाई, चले आओ, बेस्ट प्लेस है, कम बजट में इतना सारा खाना। आओ दिखाता हूँ एक एक करके। भाजी पहले यहाँ से शुरू करो ज़रा, ये देखो क्रीम सैलेड आ गया, ये आ गया ग्रीन सैलेड आ गया, ये भाजी आपके लिए, जिम जाते हो ना ज़्यादा, आप ये खाओ, क्रीम मत खाना, क्रीम मेरे लिए है। आगे आओ, आगे इधर आओ, ये आ जाएगा भाजी सिरका प्याज, ये आ जाएगी जी मिंट सॉस आ जाएगी, ये आ जाएगा स्पेशल चुटकी वाला मसाला, ये आ जाएगी इनकी स्पेशल चटनी। और भाई यहाँ से होती है फूड की असली शुरुआत। लो जी ये आ गया जी रायता आ गया, पास से दिखाओ भाजी, आज मिक्स वेज रायता है, कल को आपको हो सकता है दही बल्ले भी मिल जाए। आइटम जो है वो डेली चेंज होती रहती है, तो भाई वैरायटी ऐसा नहीं है कि 190 रुपये दे के रोज़ खाने भी आओगे ना तो आपको एक सारी आइटम ही मिलेंगी, अब बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं है, डेली चेंज हो जाती है आइटम। आओ एक एक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये आ गया जी वेज चाउमीन, और सब्जियों की देखो कोई कमी नहीं है, और देखने में जो क्वालिटी लग रही है भाई ज़बरदस्त लग रही है, ये तो मैं ज़रूर लूँगा भाई। लीजिए जी ये आ गए जी चाउमीन आ गए। भाजी एक नज़र ना ज़रा यहाँ से दिखाओ, ये ग्रीन सैलेड दिखाया था, ये रेड सैलेड भी आ गया इधर, भाजी रेड आलू चाट भी आ गई। चीसली लग रहा था। अरे आपको चीसली लगता रहे, आपकी आंखें भाजी चेक करवा के आओ ज़रा। ये देखो ये आ गई जी आलू चाट आ गई, ये देखो बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, बच्चे नहीं मतलब बड़े भी खा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए खास, ये बड़ों के लिए, ये बड़ों के फ्रेंच फ्राइज भाजी, ये बच्चों के, दोबारा दिखाओ, ये बच्चों के फ्रेंच फ्राइज और ये वाले बड़ों के फ्रेंच फ्राइज भाजी, लाइट आगे करके दिखाओ, ये देखो। और ये भाजी रशियन सैलेड, अच्छा रशियन सैलेड भी होता है, चलो सही है। आओ भाजी अब आगे चलो, तर आगे वाला खाना भी दिखाते हैं, ये देखो क्राउड फिर शुरू हो गया, भाजी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी लेकिन कोई बात नहीं, हम खाना दिखाएंगे, आओ ज़रा। आज की वीडियो ऐसे ही भाग दौड़ में होगी, चाउमीन दिखा दिए मैंने आपको, भाजी इधर लाओ, ये आगे फ्राइड राइस, ये देखो। और सबसे अच्छी बात देखो ये गर्मा गर्म, भैया आ रहे हैं घर गर्मा गर्म आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात लगी, ये अच्छे बफे की निशानी होती है कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के नहीं लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, गर्मा गर्म सर्व होता है, ख़त्म होता है, फिर से गर्मा गर्म रीफिल कर दिया जाता है, बेस्ट द बेस्ट बात है। आइए भाई इधर आइए, ये आ गया जी रेड सॉस पास्ता, अरे वाह लुक चेक करो ज़रा भाई, आ रहा मुंह में पानी, जबरदस्त खाना नहीं पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, भाजी पानी की बोतल पड़ी है उससे अपनी प्यास बुझाओ। ये देखो जी ये आ गया रेड सॉस पास्ता, और भाजी ये देखो हनी चिली पोटैटो, भाजी बुफे के अंदर इंग्लिश आइटम्स, रेस्टोरेंट वाला खाना आ गया ये, अरे वाह नज़ारा है यार, इंग्लिश आइटम ऊपर सेसमे सीड्स भी आ गए, ये देखो भाई इंग्लिश आइटम आपको मिलेंगी बुफे के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 190 रुपए के अंदर, इतना खाना अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, मजा आएगा मजा। आओ जरा जल्दी आओ आगे। तो लो जी अब आ गया जी मंचूरियन, पहले तो ना जल्दी से कॉमेंट करो कि आपकी आइटम कौन सी फेवरेट है, आप खाना क्या पसंद करोगे। ये देखो भाई पॉल्स की कोई कमी नहीं है, वेज मंचूरियन आ गया, भाजी इसको ना फ्राइड राइस के साथ लेने में बहुत मजा आता है ना, जबरदस्त भाजी कॉम्बिनेशन बेस्ट है ना, थोड़ी सी ग्रेवी ले लूँ और थोड़ी सी ले लो। ये देखो आप देखो भैया कुछ लोग चाउमीन के साथ भी खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं फ्राइड राइस के साथ, कुछ लोग खाते हैं चाउमीन के साथ, दोनों का साथ फ्लेवर जो है वो बेस्ट रहता है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो पसंद है फ्राइड राइस के साथ, आप कॉमेंट करो जल्दी से। और भाई ये देखो वेज मोमो, अरे वाह एक पीस ले लें ये भी, भाजी एक यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, बफे वाले ना आइटम्स तो 40-40 रख देते हैं, 50-50 रख देते हैं, प्लेट वो छोटी वाली रखते हैं, ऐसा क्या कि लोग कम खाएं, ऐसा सोचते हैं नहीं यार, प्लेट का साइज़ जो है ना वो बड़े वाला कर दो प्लीज़ अंकल, साइज़ बड़ा करो प्लेट का, इतनी आइटम आपने रखी है साइज़ आपने छोटा रख दिया, 40 खाने वाली प्लेट रखना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप एग्री करते हो ना तो कमेंट ठोको जरा, लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, 40 खाने वाली प्लेट होनी चाहिए, गरम गरम डालो बार बार डालो अंकल, ये कह रहे हैं इसलिए छोटी प्लेट रखी है, ज़्यादा खाओगे अंकल का भी नुकसान होगा यार समझो, थोड़ा थोड़ा खाओ, इधर आओ ये देखो
ये आ गई थी तंदूरी चांप भाई, नजारा देखो भाजी। अब तो मेरे ख्याल से तो यार यहाँ पे ना पैसे वसूल हो जाते हैं। ये चांप लेने जाओ ना तो 150 से 200 रुपए की एक प्लेट आती है से। और 150 से 200 रुपए के अंदर अंदर 190 रुपए के अंदर आपको खाना पेट फुल, पैसे वसूल भाई, पैसे वसूल। आओ इधर आओ, अभी जान बाकी है। पाओ भाजी, ये आ गई जी भाजी आ गई, और पाओ जो है वो गर्मा गर्म टेबल पे सर्व कर दिए जाएंगे। और एकदम भाई नज़ारेदार लग रही है, ये आला काट वाली लग रही है ना भाजी? सारा बुफे आला काट वाला, आला काट वाला है। तो मैंने फ्राइड राइस ले लिए, अगर आप जीरा राइस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो भाई। दाने जो हैं एकदम खिले खिले बासमती भाजी। तो भाई हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो और जल्दी से बताओ ज़रा आपकी कौन सी आइटम फेवरेट है। तो भाई ये है कढ़ी पकौड़ा। पकौड़ों में थोड़ी सी कमी लग रही है क्योंकि ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म डाल दिए जाते हैं। अगर आप कढ़ी पकौड़ा खाना चाहते हैं तो ज़रूर खा सकते हैं। हम लेते हैं जी थोड़ा सा कढ़ी और पकौड़ा। और एक रिक्वेस्ट यार, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, खाना अनलिमिटेड है, जितना मर्जी आप खा सकते हैं, लेकिन एक आपके भाई के दिल से आपको एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के थोड़ा थोड़ा लो, बार बार लो, खाने को वेस्ट मत करो। ये आपके लिए अनलिमिटेड है, एक बार छोड़ के 100 बार भी आप खाओगे ना कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बट खाना उतना ही लें प्लेट में जितना आप वेस्ट ना करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार आपका वेस्ट किया हुआ खाना कोई इंसान ऐसा होगा जो भूखे पेट सो जाएगा, अगर उसका पेट आपके खाने से भर जाएगा तो यार बढ़िया बात है ना। खाने को वेस्ट मत करना, खाने की रिस्पेक्ट रखना। तो भाई आगे आए तो आगे, ये तो भाई अगर मेरा वेज डे है ना, मैंने वेज खाना हो तो भाई ये मेरे लिए सबसे पसंदीदा आइटम है। ये क्या है भाजी? ये है वेज चिकन, ये वेज चिकन है भाजी, ये है वेज चाम मसाला। इसको इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है भाजी, ये वो ज़्यादा वाला भाषण जो मैंने अभी दिया था ना वो इसीलिए दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा डालने वाला था। ये मेरी फेवरेट है, जो आपकी फेवरेट हो वो ज़्यादा डाल लेना क्योंकि आप ख़त्म करके जाओगे उसको। इधर आओ, ऐसे चले भाजी मुझे किसी बफे में नहीं दिखे आज तक। इधर मुझे नहीं दिखाना, इधर दिखाओ, इधर ये देखो, ये देख रहे हो भाजी, ये पिंडी छोले हैं भाजी, इसको पिंडी छोले बोलते हैं, ये रावल पिंडी वाले छोले हैं भाजी। ब्लैक कलर में हैं, सफ़ेद तो नहीं, लेकिन इसको तैयार जब किया जाता है ना बहुत देर तक इसको उबाला जाता है, काढ़ा जाता है, तब जाके ये रंग जो है, ये कलर जो है वो आता है। तो नज़ारा है जी। और भाई ये आ गई जी मेरी फेवरेट दाल मखनी भाई। अब ये देखो, ये देखो, ये गलत बात होगी ना, अब दाल मखनी मेरी फेवरेट है वो। और एक बात देखो, बफे वाले हर बफे में मैं देखता हूँ ऐसा ही होता है कि पनीर जो है वो सबसे लास्ट में रख देते हैं। अब भैया पैसे वसूल कहाँ से होंगे, जितनी मर्जी चलाकी हो जाए हम पूरा खाएंगे। आओ इधर पे, इधर आओ जरा भाजी, इधर आओ, शुरू यहीं से करना था। आज दाल मखनी के साथ कॉम्प्रोमाइज। ये देखो पनीर के पीस मैंने डाले, ये देखो भाई तो आ गया नजारा। आगे भी भाजी मिक्स वेज भी बची है, ये भी दिखाओ, ये देखो भाई मिक्स वेज देखो, अरे वाह नजारा आ गया भाजी। दाल ले, दाल ले भाजी, दाल के साथ आज कर दिया कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि भाई ये देखो। और ब्रेड्स यहाँ पे 10 से 15 तरह की ब्रेड्स ही मिलती हैं, वो सारी टेबल पे आएंगी, चले टेबल पे, क्योंकि वो पिज़्ज़ा भी आएगा टेबल पे ही। चलते हैं आओ, आपको क्रीमी सा चीज़ी सा पिज़्ज़ा दिखाते हैं और भाई साथ में चपाती लेते हैं और टेबल बुक करते हैं और खाना स्वाद चखते हैं। आ जाओ। तो भाई टेबल हमारा सज गया, टेबल सजने से पहले भाई इधर इधर दिखाओ ज़रा, लुक चेक करो भाई। ये देखो मिर्ची परांठा, गार्लिक नान, बटर नान, मिस्सी रोटी, लच्छा परांठा, अजवाइन वाला परांठा। तो भाई वैरायटी जो है वो फुल होने भरी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो बेहतरीन लग रहा है ना भाजी, ये देखो बटर नान, अरे वाह, थैंक यू भैया, दोबारा ले लेंगे। तो गर्मा गर्म चपाती आपको टेबल पे सर्व कर दी जाती है। तो ये आ गया जी बटर नान आ गया, गार्लिक नान भी है भाई बीच में, मैं कहता हूँ जी पैसा तो वसूल है। और भाई ये देखो ज़रा इधर दिखाओ पिज़्ज़ा भी, और पिज़्ज़ा देख रहे हो भाई क्वालिटी जो है वो खाने की बढ़िया लग रही है। तो लो जी चीज़ी पिज़्ज़ा के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा अनलिमिटेड है हमारे वीडियो के लिए, भैया ने पूरा पिज़्ज़ा यहीं पर रख दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ही लेना, दोबारा ले लेना क्योंकि गर्मा गर्म आएगा, ठंडा हो जाएगा, बड़ा बड़ा मज़ा भी नहीं आएगा। तो आओ बाइट लेते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा की बात करूँ, जो क्वालिटी है मैं कहता हूँ जी डोमिनोज पिज़्ज़ा हट का वो वाले मुकाबले तो नहीं कर सकते। ये भाई बफे में मिल रहा है 190 रुपये के अंदर मिल रहा है, तो 190 रुपये के हिसाब से क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन है। चीज़ की टॉपिंग आप देख सकते हो कहीं से भी आपको खाली नज़र नहीं आ रहा, सब्जियों की टॉपिंग जो है वो भर भर के डाली गई है, तो फुल मार्क्स है जी भाई। तो भाई आगे इसको रखते हैं, तो आगे जो शुरुआत करते हैं भाई, लीजिए जी ये देखो, इधर आओ ज़रा पास लाओ भाजी, मंचूरियन से लीजिए जनाब, फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन। भाई क्वालिटी टू गुड है, स्वाद बहुत बेहतरीन है, ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा भाई कि मैं बफे में खा रहा हूँ। और आवाज़ सुन रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है, हैप्पी बर्थडे जी मेरी तरफ से भी सबको, सबको नहीं मतलब जिसका है, आ जाओ आगे भाई, सेलिब्रेशन खूब चल रही थी यार, तो इसलिए दिल से निकल गया सबको। ये देखो फिर से, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी, ये आ गया जी रेड सॉस पास्ता, तो ये भी लेते हैं।
टू बी वेरी फ्रेंक यार, बहुत सारे बफे खाए हैं, ऐसी क्वालिटी नहीं मिली है। और भाई सच में कह रहा हूँ, अगर 190-200 की रेंज में बेस्ट बफे ढूंढ रहे हो जलंधर शहर में, तो भाई ये बेस्ट प्लेस लगी मुझे अभी तक के खाने में। एक चीज़ की कमी लगी, वो थोड़ी सी सर्विस, वो थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन खाना बढ़िया था। अगर इंतज़ार कर सकते हो ना तो बेस्ट प्लेस है। लीजिए जनाब। भाजी चाप भी गुड है यार, इतनी सारी आइटम है भाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा बटर नान कहाँ रखूँ, पिज़्ज़ा कहाँ रखूँ, क्योंकि मोमो भी तो दिखाना है। तो लो जी, भाजी वेज है, मैं वेज इतना लाइक नहीं करता, लेकिन क्वालिटी गुड है। अब आती है जी भारी बटर नान की, ये देखो जी ये आ गया बटर नान। भाजी पनीर के साथ दिखाओ ज़रा, इधर दिखाओ इधर, ये देखो ये आ गया पनीर, बटर मसाला, और ये आ गई जी बटर नान के साथ एक बड़ी सी बाइट। भाई अगर स्वाद की बात करूँ ना, तो जैसा होता है ना वो एक रिच ग्रेवी वाला, वो मगज और काजू की ग्रेवी जो बनाई जाती है उससे तैयार किया गया ये पनीर था। पनीर बटर मसाला गुड था, हल्का से मीठे बन में था, स्वाद बढ़िया, फ्लेवर अच्छा है, और वो स्ट्रीट फूड वाला फ्लेवर नहीं आ रहा, होटल्स वाला फ्लेवर होता है ना, फाइव स्टार्स वाला फ्लेवर, वो इसमें फ्लेवर टच हो रहा है। मैं फुल मार्क्स दूंगा यार। आगे बढ़े तो भाई अगली बाइट हमारी, पर इधर दिखाओ ज़रा पिंडी छोले। अरे वाह, स्पेशलिटी पर ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे देखा गया कि भटूरे छोले के साथ मैंने बहुत बार देखा है कि पिंडी छोले सर्व किए जाते हैं। तो लीजिए जनाब बफे में। एक बात यहाँ पे नोट करो, अगर आप पिंडी छोले खाना चाह रहे हो, बटर नान लच्छा पराठा के साथ मत खाना, यहाँ पे भटूरा भी आपको मिल जाएगा 190 में, वह चपाती की जगह भटूरा भी खा सकते हो, उसके साथ इसको खाना, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट रहने वाला है। चपाती के साथ मुझे बहुत बढ़िया फ्लेवर नहीं टच हुआ, कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं लगा, लेकिन इसका खुद का फ्लेवर अच्छा है। इधर लाओ भाजी वेज चिकन दिखाओ, ये देखो भाई ये आ गया वेज चिकन, ये मसाला, और ये बड़ी सी बाइट। भाई लव यू वाला स्वाद था, दिल के अंदर से आवाज़ आई है। कुल मिला के 190 रुपये के अंदर ऐसी क्वालिटी का, ऐसे स्वाद, ऐसा फूड मुझे नहीं लगता शहर में कहीं और मिलता है। आइटम कहीं 2-4-5 ज़्यादा कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा स्वाद, ऐसी क्वालिटी, टू गुड है, मज़ेदार है। तो भाई अगर आप भी 190 रुपये या 200 की रेंज में बढ़िया खाना खाना चाहते हैं, अनलिमिटेड खाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो भाई चले आओ। जगह मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको, कैफेनिया बफे में मैं हूँ, PPR मार्केट मिठापुर रोड जलंधर में। आओ खाओ, मजे बनाओ, और अपने भाई को बताओ आज की अनलिमिटेड वीडियो आपको कैसी लगी। सेलिब्रेशन एक बार फिर से, हैप्पी बर्थडे जी सारो, सबको सबको हैप्पी बर्थडे। अरे भाई आपका बर्थडे है तो सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना यार, तो सबके लिए हैप्पी बर्थडे। तो आप प्यार दो, आप क्या कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को जल्दी से दबा के कमेंट करो, और मिलते हैं कल नई वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।